हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ न्यूरोलॉजी इसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटॉमी देखेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है इसकी डिफिनेशन होगी द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेज इन एंड आउटसाइड द बॉडी यानी कि नर्वस सिस्टम पहले डिटेक्ट करता है कि शरीर के अंदर और बाहर क्या हो रहा है और उस हिसाब से एप्रोप्रिएट रिस्पांस करता है द नर्वस सिस्टम आल्सो कंट्रोल होमियोस्टेसिस अलोंग विद एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं पहले ये समझते हैं कि होमियोस्टेसिस क्या होता है होमियोस्टेसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द सेलुलर एनवायरमेंट स्टेबल आसान शब्दों में समझते हैं आपको पता ही है बाहर का वातावरण हमेशा बदलता रहता है इससे अपने शरीर के अंदर जो सेल हैं वो कम काम कर सकती हैं या फिर डेड हो सकती हैं इससे बचने के लिए हमें अंदर का वातावरण एक सा रखना होगा चाहे शरीर के बाहर का वातावरण बदलता रहे और इसी प्रक्रिया को होमियोस्टेसिस बोला जाता है अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है ये कैसे काम करता है अपने नर्वस सिस्टम का पहला फंक्शन होता है सेंस करना यानी कि सेंसरी फंक्शन ये हमारी पांचों इंद्रिया जिसको हम लोग सेंस बोलते हैं जो कि दृष्टि विजन ध्वनि साउंड स्वाद टेस्ट गंध स्मेल और स्पर्श टच के थ्रू हमें पता चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है तो पहला फंक्शन हो गया सेंसरी फंक्शन टू डिटेक्ट आर सेंस द चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी अब दूसरा फंक्शन समझते हैं ट्रांसमिशन फंक्शन दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन यानी कि जो हमने सेंस किया है उसका ट्रांसमिशन होना और अपने ब्रेन तक जाना ट्रांसमिशन फंक्शन कहलाता है अब तीसरा फंक्शन होता है इंटीग्रेटिव फंक्शन ये क्या होता है इंटीग्रेटिव फंक्शन इज बेसिकली द प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन को मिली वो पहले उसे एनालाइज करेगा कि क्या है फिर अपने पास उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा फिर उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके समझेगा कि क्या है और उसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या करना है अब लास्ट फंक्शन है मोटर फंक्शन ये बेसिकली रिस्पोंड करेगा जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी दैट इज टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बीन अब हम लोग इसे विजुअल इलेट्रेशन के थ्रू समझते हैं जैसे कि हमारी आंख ने एक गिलास पानी को देखा तो ये इंफॉर्मेशन एफरेंट नर्व के थ्रू जो कि फेरी नर्वस सिस्टम का हिस्सा है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को मिलेगी जहाँ ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और डिसाइड करेगा कि ये गिलास का पानी हाथों से उठाना है तो ये हमारी मोटर यूनिट को रिस्पॉन्ड करने का आदेश देगा ये इंफॉर्मेशन एफरेंट नर्व के थ्रू जो कि फिर फेरी नर्वस सिस्टम का हिस्सा है हमारे हाथ की स्केल्टल मसल के पास जाएगा कि इस गिलास के पानी को हाथों से उठाओ और अपनी तरफ खींचो इस प्रकार छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोसेस होती रहती हैं और ये इतना स्मूथ होता है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता है यहाँ पे दो टर्म आया एफरेन्ट और इंट नर्व चलिए इसको समझते हैं जैसे कि आपको पता ही है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है और इसी न्यूरॉन को बेसिकली हम लोग नर्व बोलते हैं नर्व कन्वे इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन एंड कैरी इंफॉर्मेशन बैक टू वेरियस ऑर्गन मतलब कि नर्व इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है और वहां से वापिस इंफॉर्मेशन को वेरियस ऑर्गन के पास लाता है एफरेट नर्व क्या होता है

नर्व को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर ले जाता है मतलब कि किसी मसल्स, ग्लैंड या आर्गन के पास इसको मोटर नर्व भी कहा जाता है यहाँ पे एक और तरह की नर्व होती है मिग्ड नर्व विच कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स यानी कि वो नर्व जो दोनों सेंसरी और मोटर नर्व के इंपल्स को कैरी करती है उसे मिग्ड नर्व कहते हैं अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन होते हैं पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस नर्वस सिस्टम सिस्टम अब सेंट्रल हमारा दो भागों में बढ़ जाता है ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें तीन भागों में फिर बढ़ जाता है फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो भागों में बढ़ जाता है पहला सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी वॉल्ट्री सिस्टम होता है जो कि हमारे कंट्रोल में होता है दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि इन सिस्टम होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो भागों में बढ़ जाता है पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमें तब कंट्रोल करता है जब हम स्ट्रेस में रहते हैं जिसको बेसिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं और दूसरा पैरा नर्वस सिस्टम होता है ये हमें तब कंट्रोल करता है जब बॉडी रिलैक्ड होती है मैं आशा करता हूँ कि आपको न्यूरोटॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अगले वीडियो में हम लोग न्यूरॉन उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझेंगे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद